एवरीवन, माय नेम इज श्रिया एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोट। आज के वीडियो में मैं आपके साथ प्रादा कैंडी का परफ्यूम गिफ्ट बॉक्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली बॉक्स से ज़्यादा मैं रिव्यू प्रादा कैंडी और द परफ्यूम का शेयर करने वाली हूँ। बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पैकेजिंग से शुरू करते हैं। दिस इज़ हाउ द प्रादा कैंडी बॉक्स कम्स इन। ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट इस पे कवर लगा हुआ है और अंदर इसका कार्डबोर्ड का बॉक्स है। एकदम हॉट पिंक, फ्यूशा पिंक कलर का बॉक्स है ये, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। इसके ऊपर का जो ट्रांसपेरेंट कवर है वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, उसमें एक्चुअली सारे प्रोडक्ट डिटेल्स मैंशनड है कि बॉक्स में क्या सब आइटम्स आपको मिल रहे हैं वो एक्चुअली में ये बाहर के कोटिंग के ऊपर पूरा मैंशनड है। सो इसमें तीन प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर है, बॉक्स के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ प्रिटी दिस बॉक्स लुक्स लाइक। एकदम ब्राइट, बहुत ही ब्राइट फ्यूशा पिंक कलर का बॉक्स है ये। सारी डिटेलिंग इसमें गोल्डन में दिया हुआ है एंड इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं एंड प्रादा कैंडी लिखा हुआ है एंड पीछे की तरफ इसमें प्राइसिंग लिखी हुई है। सो ये वाला बॉक्स जो है इट इज़ प्राइस्ड फॉर 7,250 रुपीज़ एंड यू गेट थ्री प्रोडक्ट्स इन दिस। सो बॉक्स ओपन करके दिस इज़ हाउ द थ्री प्रोडक्ट्स आर हाउस्ड इनसाइड। मैं थोड़ा कम टिल्ट करूँगी ताकि कुछ गिर ना जाए। सो दिस इज़ हाउ द बॉक्स इज़ ऑन द इनसाइड। सो ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ द एक्चुअल प्रादा कैंडी परफ्यूम और द परफ्यूम एंड ये 80 ml आपको मिल रहा है इस गिफ्ट बॉक्स के साथ। देन यू हैव दिस लोशन, ये लोशन 75 ml है एंड देन यू गेट इसी प्रादा कैंडी का एक ट्रैवल साइज, दिस इज़ फॉर 7 ml। तो बेसिकली आपको 87 ml ऑफ अदर परफ्यूम मिल रहा है प्रादा कैंडी का एंड एक लोशन मिल रहा है। अगेन इसके अंदर से कंटेंट्स बहुत ब्यूटीफुल है, अंदर प्रादा कैंडी लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरे फ्लोरल डिटेल्स हैं एंड दिस इज़ हाउ द क्लोजअप लुक्स लाइक फॉर दिस बॉक्स। Now I did not buy this for 7,250 rupees. When I bought this was almost on 50% or 60% off. तो मुझे ये under 5K मिला है, like around 4,000 something is what I paid for this entire set. So I thought that this was a steal deal, क्योंकि अलग से अगर आप Prada Candy का सिर्फ perfume ख़रीदते हो और the परफ्यूम, वो अकेला परफ्यूम ही 5,000 का आता है। तो इसीलिए जैसे ही मैंने देखा कि गिफ्ट सेट 50% ऑफ पे है तो ऑलमोस्ट मुझे 4,000 में मिल रहा है, तो आई ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी एंड मैंने ये नायका से लिया था। मैंने करेंटली चेक किया नायका पे ये सोल्ड आउट है। सो मैं इसके लिए लिंक ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, करेंटली आउट ऑफ स्टॉक है बट आप नायका पे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, नोटिफाई मी करके एक ऑप्शन आता है नायका पे, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे ही ये अच्छे डिस्काउंट में होगा एंड अवेलेबल होगा तो यू कैन ग्रैब दी ऑफर। तो ये पूरी बॉक्स की पैकेजिंग के डिटेल्स हो गए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं इसका रिव्यू। सो प्रादा कैंडी इज़ अ टिपिकली कैरमल बेस्ड परफ्यूम एंड दिस वन इज़ वेरी स्वीट, इट्स सिकनिंगली स्वीट कैरमल बेस्ड परफ्यूम इज़ व्हाट आई कैन से। इट इज़ स्लाइटली पाउडरी इन नेचर एंड इसका थोड़ा सा ऐसे इसमें ब्राइटनेस है वाइट मस्क का। सो बेसिकली इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्वीट कैरमल बेस्ड परफ्यूम। नाउ दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग फॉर प्रादा कैंडी लुक्स लाइक। एज यू कैन सी द परफ्यूम इन इट सेल्फ इज़ काइंड ऑफ लाइक कैरमल कलर्ड एंड अगेन द हॉट पिंक थिंग कंटिन्यूज हियर एंड प्रादा इज़ रिटन ओवर हियर एंड द बॉटल लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। इसका एटोमाइजर यही है, द कैप दैट यू सी दिस इज़ द एटोमाइज़र एंड यू जस्ट हैव टू स्प्रे इट एंड यू नो यूज़ इट। सो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत बहुत प्रिटी लगती है, इट लुक्स वेरी गर्ली, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फेमिनाइन एंड इट इज़ समथिंग विच लुक्स ब्यूटिफुल केप्ट ऑन द ड्रेसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स ऑफ दिस। सो एज आई मेंशनड कि दिस इज़ लाइक अ कैरमल बेस्ड परफ्यूम, सो द टॉप नोट इज़ कैरमल, जस्ट caramel. So the top note is caramel, the mid notes of this perfume are white musk, majorly white musk and some powdery notes. So that just enhances that caramel and powdery note is so beautiful. White musk makes this a very happy, a very bright kind of a perfume. And then this has benzoin in it and vanilla in it as the base notes.
Again, a very sweet combination, caramel, powdery notes and vanilla benzoin. So overall, this is a very, very, very sickeningly sweet perfume is what I am trying to say. Now coming to the longevity and performance of Prada Candy. In US, many people have complained that Prada Candy does not perform well on them, but I respectfully disagree, because for me, this perfume lasts for more than 10 hours on my skin and more than 10 hours on my clothes. And if I overspray this, it gives me a massive headache. So I use this in nominal quantities and I spray this less, because this just performs massively on me. The longevity is great on this. It is very long lasting on me, and it's kind of the perfume ki, you know, you put it in the morning and till night you'll get the wisp of it at, you know, different point of times. Like, you can get that wisp. So this has a very constant journey. It has this constant, you know, caramel note, constant powderiness, constant benzoin, and that sweetness, vanilla, all combined together. So the journey of this perfume does not change. Subah se leke shaam tak, it is almost the same. So according to me, the performance is great and it just lasts for more than 10 hours on me. So mere hisab se, this is like a complete paisa vasool kind of a fragrance. Now coming to the occasion, I definitely feel that this is better for colder weathers like winters, autumn, rainy season time, evenings, date nights, night outs, stuff like that. But to be honest, when I go to office or when I go to some occasions, I love wearing this during daytime also, because the powderiness in this just is so bright and so beautiful. The white mask makes it more brighter. I think you can definitely carry this off during the daytime also. So I think this is the kind of perfume which is like all day long, all night long, all season long kind of a fragrance. You can wear this anytime. Coming to any particular age restriction, there is none. Everybody can wear this perfume because it's like not very mature, not very childish, not very kiddish. So it's somewhere which is like a win-win situation for everyone. So everyone from every age can wear this. Of course, teenage plus. This perfume projects well for me. It projects for around 30-45 minutes. So the projection is great for this. The cilage is great for this. It actually leaves a trail when you're like passing by. You can notice that somebody is wearing a caramel based perfume or a very sweet perfume. The performance is amazing. So for me, the performance, everything, pricing, I feel is pretty good. Now talking about the lotion is also like, it has exactly same smell as the perfume. A little more shea butter kind of fragrance is mixed into this. So you can feel that slight bit of oiliness peeking through in the fragrance, in the lotion specifically. And of course, ye jo iska travel size hai, this is so cute. This is exact composition of the Prada Candy. And the only difference is that you have to open the cap in this manner and you just have to dab the perfume on yourself if you want to apply it. So ye overall Prada Candy ka gift box tha, and majorly you know, majorly review was about Prada Candy perfume. I absolutely love this perfume. There are so many times when people have asked me, specifically on Instagram, when I post on my stories that, you know, this is my perfume of the day and stuff like that. So people have reached out to me to ask me that out of your massive collection, which is your top or which is your number one perfume that you always want in your collection and you love it to depths. And my answer is always Prada Candy, because I just feel this perfume is so beautiful and it is so long lasting. It performs really, really well on me, and for occasions, even for casual outs, outings, I absolutely prefer using Prada Candy. So yes, this is, I said it, this is my number one perfume in my collection. I absolutely love it and I highly recommend it. Especially I recommend the gift box because it is value for money. You really don't have to pay 7k for this. You can get it for around 4k, and 4k for a high-end perfume is a decent price.
So I don't want to say any cons about this because honestly I love every bit of this perfume. So for today's video I'm not going to mention cons because this is my favorite perfume and I just can't find a con in this. That the rating will also be biased and it will be 10 out of 10. I absolutely love this perfume. So I'm sorry if you guys don't like Prada Candy. No problem, I don't mind it because this performs so well on me that I will recommend it. Like, I love it and I will recommend it. So that's it for today's video. That was everything about Prada Candy. I hope ki ye review aapko pasand aayega. Most of the review I try to keep it in English because since this is an internationally famous perfume, I want more audience to reach my review, and I have gotten some complaints in the past that when you are reviewing a US based perfume or a UK based perfume, do keep it in English so that others can also understand. So yeah, that's it for today's video. Thank you so much for stopping by. Please support my channel, hit the bell notification, subscribe, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.